हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइप 786। सो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं आईटी की फील्ड में तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलते हैं, जैसे कि सर्वर और क्लाइंट। तो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लाइंट को देख लेते हैं। अ क्लाइंट इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर That access a service made available by a server. Example क्या है इसकी? Web browser are clients that connects to a web server and retrieve web pages for display. तो अगर हम definition की तरफ थोड़ा गौर करें तो clients क्या होते हैं? Server की तरफ से जो services available की गई हों उनको जो access करते हैं उन्हें कहते हैं clients. तो जैसा कि इधर आप example में देख सकते हैं, वेब ब्राउज़र जो हैं ये क्लाइंट्स हैं, क्योंकि इनके थ्रू हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करते हैं। अब देख लेते हैं सर्वर को। तो सर्वर क्या होता है? सर्वर जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलें देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक शख्स है, ये क्या करता है, ये मैकडोनल्ड से ऑर्डर करता है, ये रिक्वेस्ट करता है, ये जो शख्स है ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट करता है मैकडोनल्ड को कि आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गिव मी अ बर्गर। ये मैकडोनल्ड से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक बर्गर चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये क्या है, जो रिक्वेस्ट करता है या डिमांड करता है उसे कहते हैं क्लाइंट। तो इसने रिक्वेस्ट की तो ये क्या है, ये क्लाइंट है। और ये जो मैकडोनल्ड है इसने आगे से उसको रिस्पॉन्स दिया, मीन्स उसको रिप्लाई किया या उसको चीज़ सर्व की। तो जो रिस्पॉन्स करता है या सर्व करता है उसे कहते हैं सर्वर। तो सिंपल वर्डिंग में आप ये भी कह सकते हैं कि क्लाइंट क्या होता है, जो रिक्वेस्ट करता है या डिमांड करता है उसे कहते हैं क्लाइंट, और जो सर्व करता है उसे कहते हैं सर्वर। तो सर्वर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो जैसा कि जो ईमेल सर्व करता है उसे कहते हैं ईमेल सर्वर, जो मैसेज सर्व करता है उसे कहते हैं मैसेज सर्वर, इसी तरह जो वेब सर्व करता है उसे कहते हैं वेब सर्वर। तो ऐसा नहीं होता कि एक सर्वर के अंदर आप एक ही चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आप एक सर्वर के अंदर डिफरेंट तरह के सर्वर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और डिफरेंट तरीक़ों के काम जो है वो आप एक सर्वर के थ्रू कर सकते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में क्लाइंट और सर्वर जो है इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्लाइंट क्या होते हैं कि जो रिक्वेस्ट करता है या डिमांड करता है किसी भी चीज़ की उसे कहते हैं क्लाइंट, और जो सर्व करता है कोई भी चीज़ उसे कहते हैं सर्वर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लाइंट और सर्वर जो है इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल टाइप 786 को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।